गाइस आप भी बहुत स्मार्ट हो गई है, मुझे तो रियलाइज होता है। आप लोग क्या कहते हैं? सच सच बताना, हर काम में माहिर होना चाहिए। जब सर पे हाँ पड़ती है तो हर काम खुद आ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और हमारा व्लॉग इधर से शुरू हुआ, बैठ के हमारा व्लॉग इधर से शुरू हो गया है। और वेलकम टू पिंकेज चैनल में सबका वेलकम। सनी की कॉफी रह गई मुझे लगता है। कोई बात नहीं, आप लग में नहीं फिर आप पी नहीं सकोगे, साथ में पीती फिर रोज सिप भी लगाती ठीक रहो। हाँ जी। तो फ्रेंड्स कैसे हैं, सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कल का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताना। और पिछले दिनों में मेरी तबीयत अपसेट थी तो मैं बना नहीं सकी। अब आप रोज 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 ब्लॉग आएंगे, आपको ब्लॉग की अब कमी नहीं महसूस होगी। दरअसल हमारी बाजी कुबरानी है, वो लाहौर गई हुई है अपना इलाज करवाने के लिए। उसके गले के अंदर सीटी फंस गई है तो वो निकलवाने गई है, इसलिए हम लोग काफी बोर हैं। और फ्रेंड्स आप लोग सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह की सलामती हो। ये सनी की वो है अपने तकिया कलाम, अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह आपको अपने सवाल में रखे, अल्लाह आपको हाजिर कराए मैं ऐसे ना। बिल्कुल तो फ्रेंड्स आप सब लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताएं जरा, और मुझे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। यार अल्लाह का वास्ता है तो ज़्यादा कहीं भी आखा नहीं बने दे पाए, बटोस मारो। गाइस आप भी बहुत स्मार्ट हो गई है, मुझे तो रियलाइज होता है। आप लोग क्या कहते हैं? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। जितनी मैं डाइट कर रही हूँ तो मुझे स्मार्ट अब होना चाहिए और हो गई हूँ मैं। मैंने ये देखा है स्मार्ट होके कि इंसान, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, नॉर्मल खूबसूरत भी मैं हूँ, लेकिन मोटापे में खूबसूरती आपकी छुप जाती है। जब आप जैसे स्मार्ट होते हैं तो आपके जो फेस के जो होते हैं, देखिए जिसे बोलते हैं नैन नक्श, वो ऐसे देखिए एकदम ओपन होने लग जाते हैं, वाजे होने लग जाते हैं। जैसे मोटापा आता है तो नाक नक्श आपके ऐसे छुप जाते हैं। नीचे दब जाते हैं, गोश्त में जो ऊपर ऊपर गोश्त आ जाता है। जैसे स्मार्ट होते हैं आपकी फेस की लुकिंग खूबसूरत निकलने लग जाती है। ये मेरी बात सही है तो मुझे बताएं, अगर गलत है तो वो भी मुझे बताना। मैं तो इस चीज को मानती हूँ कि भाई स्मार्ट के बाद इंसान ज्यादा खूबसूरत लगता है। इन्होंने 10 kg कम किया है, 10 किलो। हाँ जी, ऐसे मैंने 10 किलो किया है 1 महीने के अंदर। ओ माय गॉड, और अभी 10 किलो और कम कर नहीं, दिया 5 किलो नहीं, 13 किलो और करना, इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा था 97 तो मैंने करना है 75 जी 13 kg रहेगी, जी। 13 किलो हम कम करेंगे। और हाँ तो बता रही हूँ ना कि मेरा पहले था सेवन सेवन तो मैंने अब करना है सेवेंटी अपने फाइव 75 करना है अब, इसलिए अगर पहले मैं ज्यादा करूंगी तो फिर मैं बहुत कोजी कोजी लगूंगी, ऐसे लंबा डांगा और उसके ऊपर कपड़े सुखा दिए किसी ने, कपड़े भी नहीं अच्छे लगेंगे। वाह जी वाह, सही कह रही ना सनी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। और फ्रेंड्स आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं, आपकी तबीयत ठीक है? और हमारे पास ये लेजर मशीन भी आ गई है फ्रेंड्स, और अगर कोई हमसे लेजर की ट्रीटमेंट करवाना चाहे तो वो भी करवा सकता है। और ऐसे है कोई इंसान गलती से टैटू बनवा लेता है कि उसको चाहता है कि रिमूव करवा दो तो वो रिमूव भी हो जाता है, गलती से रिमूव करवा लें गलती से रिमूव कर, जैसे गलती से बनवाए वैसे गलती से रिमूव करवा लें। और उसके बाद हमारे पास जी गाड़ी क्या 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 देता, अंडे देता गाड़ी में से, अंडे लेके आया गाड़ी में से। तो तूने नहीं अपना नाश्ता नहीं लिया पंजे खाएगा तो रड़ा पो भी पंजे खा से तो मुर्गी दे तो गाइस तुम में से पंजे कौन कौन खाता है? हमारा हैदर पंजे खाता है शौक से, मुझे नहीं अच्छे लगते पंजे शंजे। क्या करता है गाड़ी से सफाई करता है गाइस जो है ना हैदर, वो देखे डिग्गी के अंदर देख, एक मेरे सूट की शलवार अंदर बिल्कुल गुम होगी स्किन कलर की, जब भी देखा वो चेक कर अंदर से अच्छे तरीके से। कल मैं टेलर के पास गई तो एक शलवार नहीं थी। अच्छा कंफ्यूज हो रहे हैं गाइस कि ये पंजे किस चीज के खाते हैं, वजाहत से बताएं। मुर्गी के पंजे हैं बिल्ली इतने के नहीं मुर्गी के बिल्ली के नहीं मुर्गी के, बिल्ली के नहीं मुर्गी के, जो ऐसे होते हैं। आई लग उनका
मुझे तो पसंद, तुम खा रही हो सनी? बिल्कुल नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है जो बहुत गरीब लोग हैं जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम होता है घुटनों का, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि मुर्गी के पंजे बस के जो बड़े पाए अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ जी। अच्छा जी, ऐसे हैं कि जो मेरे पास अली है ना, तीन मिनट का, जो मेरे पास अली है ना सनी जी, जी मैं उनका अक्सर वो उनकी टिकटॉक देखती हूँ, तो उन्होंने भी कहा था कि पंजों के बारे में कि आप पंजे इजीली खा सकते हो, उससे तुम्हारे जो गोडों में दर्द होता है, तुम्हारी वो फॉर्म गोडों की खत्म हो जाती है, तो उससे अच्छी हो जाती है। तो हर किसी की अपनी है, लेकिन मैंने कभी खाए नहीं है, मुझे लगता है जैसे बच्चे के हाथ बड़े हो, है ना जी? बिल्कुल ऐसे लगता है मुझे। और वैसे ना जैसे ये पंजे हैं, और बहुत सारे लोग मतलब कि फिश नहीं खरीद सकते, जो कि जो फिश का सर होता है उसका सूप बहुत बड़ा मजे का बनता है, और जो आइस के लिए बहुत बेस्ट होता है सूप उसका। जी बहुत आइस के लिए, आंखों के लिए बहुत बेस्ट होता है, जिनकी आईसेट वीक हो रही हो, आईसेट वीक हो। और मैंने ये भी सुना है कि पंजो ये जो मछली के अंडों का सदका बहुत अच्छा होता है, उसकी आंखों का भी, बिल्कुल उसके सर का भी। और मैंने मैं अक्सर ना मंगल को मैं देती हूँ फटकड़ी का सदका देती हूँ, आज मैंने फटकड़ी का सदका दिया सबका, तो फटकड़ी का सदका बहुत अच्छा होता है। नैश असरात जो हमारे अंदर होते हैं ना, नजर हसद नैश असरात, वो सारे के सारे हमारे अंदर से निकल जाते हैं। लेकिन एक मेरी बहुत अच्छी बहन है, और लव यू उस बहन को, आप ही निकार जी, आप यकीन करोगे कि वो मुझे रोज रोज मुझे सूरत मंजिल का पानी पिलाती है, ऐसे ही ना बेटा? बिल्कुल ऐसे, वो वाकई में आपको बहुत लाइक करती है, और कसम से मैं खुद भी उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं खुद करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कहती हूँ वो ऐसे मेरी फैमिली का मेंबर है, और मेरी वो मेरी दोस्त नहीं है, वो मेरी बहन है। और आज के दौर में इतना कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, जैसे आप ही जाती हैं गाइस, तो पता है वो इनके लिए खाना बना के खड़ी होती हैं, पिंकिश देर क्यों लगा दी, पिंकिश 5 मिनट्स भी लेट हो जाए ना, तो वो वेट में होती है कि लेट इतना। मेरे बहन भाई मुझे कॉल नहीं करते, पूछते नहीं है, मैं हकीकत में कह रही हूँ, मुझे नहीं इतना कोई कॉल करके पूछते कि तुम अभी घर पहुंची हो या नहीं पहुंची, तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। लेकिन वो इंसान मुझे इतना फोन करती है, पिंकी 7 बज गए, पिंकी 7 बजे तुम कहाँ हो अभी तक। अच्छा आज सुबह ऐसा हुआ कि मैं रात ना बहुत ज्यादा थक गई थी, काम कर रही थी, और मैं ना सनी हकीकत में मैं अपने जाके सो गई, और सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ तहज्जुद के लिए, मैं नहीं उठ सकी आज ना। तो असल में ना मैंने फिर ना नहीं एकदम बजा है अलार्म 5 का, मैंने वो फिर ना जो अलार्म 6 पे लगा दिया, तो मैं 6 बजे उठी हूँ तो अपी की कॉलें आ गई, क्या कहते हराम की किधर है तू, किधर है तू? अपी मैं जा नमाज पे हूँ, नमाज मैंने पढ़ ली है, मैं तस्बीह कर रही हूँ। तो अच्छा अच्छा ठीक है, तू ठीक है तभी ठीक है? मैं कह जी अभी मैं ठीक हूँ, इतने में क्या कहते हैं, मैंने कहा देखो उसको कितनी फिक्र होती है कि तुम 5 बजे उठती थी, तुम आज उठती क्यों नहीं हो, ना तुम 5 बजे उठ के मैं तुम्हें फोन कर दी, तुम उठा लेते फोन, फिर हम सुबह इकट्ठी बाग पे जाते हैं। अल्लाह पाक उसको बहुत अजर दे, उन्होंने हज किया हुआ, उन्होंने उमरा भी किया हुआ है, बहुत अच्छी खातून है वो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, फिर आपको मिलते हैं। ठीक है ओके। ये देखो जी हमारा जो वो आया था ना, तो हमारी मशीन आई थी, तो हम अब इसको सेट करके लगा रहे हैं। गाइस ये बहुत ही माहिर है हर काम में, मेकअप ही नहीं आता है, और हर काम में माहिर होना चाहिए, जब सर पे पड़ती है तो हर काम खुद आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है ना, बिल्कुल माशाल्लाह। लेकिन जो भी हो, बहुत सारे लोगों के सर पे पड़ी है, लेकिन इस तरह कोई नहीं होता, जहीन पावरफुल आप हैं, और अल्लाह ताला हमेशा आपको रखे, और अल्लाह ताला बद नजर से भी बचाए। और ये जी हम आरफ लगा रहे हैं जो स्किन को टाइट करती है, पेज को लगा देंगे। अब हम फिटिंग फिटिंग करने लगे हैं, इसकी फिट करने लगे हैं, मतलब उस मशीन को फिर फिट करना पड़ रहा है। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और कल का कैसा लगा? अभी फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ,
घर आके थोड़ा सा खाना खाया है, जैसे कि मैं रूटीन वाइज खाती हूँ साग कीमा ये वो, यही सब कुछ खाया मैंने। और अभी मैं सोने की तैयारी कर रही थी, 9 बजे 9:30 बजे मैं सो जाती हूँ। आज बहुत थक गई थी, काम बहुत था, सामान बहुत आया था पार्लर में, माशाल्लाह उसकी सेटिंग अभी हुई नहीं है और सेटिंग मज़ीद करनी है, थोड़ी चीज़ें और रहती हैं वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार रफ्तार आ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। और आप लोग भी अपना ऐसे ख्याल करना और मोहब्बतें बांटते रहना, प्यार बांटते रहना। और मुझे आज के ब्लॉग में इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।